कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस, हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम, लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा, क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है, ठीक है? ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है? ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं। लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है वो फिर स्वीकार्य नहीं है। हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको।